श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 9 पूर्ण वैराग्य। साधु ब्राह्मण ने कहा, भौतिक जगत में हर व्यक्ति कुछ वस्तुओं को अत्यंत प्रिय मानता है और ऐसी वस्तुओं के प्रति लगाव के कारण अंततः वह दीनहीन बन जाता है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह भौतिक संपत्ति के स्वामित्व तथा लगाव को त्याग देता है और इस तरह असीम आनंद प्राप्त करता है। एक बार बड़े भाजों की एक टोली ने कोई शिकार न पा सकने के कारण एक अन्य दुर्बल भाज पर आक्रमण कर दिया जो थोड़ा सा मांस पकड़े हुए था। उस समय अपने जीवन को संकट में देखकर भाज ने मांस को छोड़ दिया, तब उसे वास्तविक सुख मिल सका। पारिवारिक जीवन में माता पिता सदैव अपने घर, अपने बच्चों तथा अपनी प्रतिष्ठा के विषय में चिंतित रहते हैं, किंतु मुझे इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मैं न तो किसी परिवार के लिए चिंता करता हूँ, न ही मैं मान अपमान की परवाह करता हूँ। मैं आत्म जीवन का ही आनंद उठाता हूँ और मुझे आध्यात्मिक पद पर प्रेम मिलता है। इस तरह मैं पृथ्वी पर बालक की भांति विचरण करता रहता हूँ। इस जगत में दो प्रकार के लोग समस्त चिंताओं से मुक्त होते हैं और परम आनंद में निमग्न रहते हैं। एक तो वे जो मंद बुद्धि हैं तथा बालकों के समान अज्ञानी हैं, तथा दूसरे वे जो तीनों गुणों से अतीत परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। एक बार विवाह योग्य एक तरुणी अपने घर में अकेली थी, क्योंकि उसके माता पिता तथा संबंधी उस दिन किसी अन्य स्थान को चले गए थे। उस समय कुछ व्यक्ति उससे विवाह करने की विशेष इच्छा से उसके घर आए। उसने उन सबों का सत्कार किया। वह लड़की एकांत स्थान में चली गई और अप्रत्याशित अतिथियों के लिए भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। जब वह धान कूट रही थी तो उसकी कलाइयों की शंख की चूड़ियां एक दूसरे से टकरा कर जोर से खड़खड़ा रही थी। उस लड़की को भय था कि ये लोग उसके परिवार को गरीब समझेंगे, क्योंकि उनकी पुत्री धान कूटने के तुच्छ कार्य में लगी हुई है। अत्यंत चतुर होने के कारण शर्मीली लड़की ने अपनी बाहों में पहनी हुई शंख की चूड़ियों में से प्रत्येक कलाई में केवल दो दो चूड़ियां छोड़कर शेष सभी चूड़ियां तोड़ दी। तत्पश्चात यों ही वह लड़की धान कूटने लगी। प्रत्येक कलाई की दो दो चूड़ियां टकरा कर आवाज करने लगी। अतएव उसने हर कलाई में से एक एक चूड़ी उतार ली और जब
हर कलाई में एक एक चूड़ी रह गई तो फिर आवाज नहीं हुई। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, मैं इस जगत के स्वभाव के बारे में निरंतर सीखते हुए पृथ्वी भर में विचरण करता हूँ। इस तरह मैंने उस लड़की से स्वयं शिक्षा ग्रहण की। जब एक स्थान पर अनेक लोग साथ साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से झगड़ा होगा। यहाँ तक कि यदि केवल दो लोग ही एक साथ रहें तो भी जोर जोर से बातचीत होगी और आपस में मतभेद रहेगा। अतएव झगड़े से बचने के लिए मनुष्य को अकेला रहना चाहिए, जैसा कि हम लड़की की चूड़ी के दृष्टांत से शिक्षा पाते हैं। योगासनों में दक्षता प्राप्त कर लेने तथा श्वास क्रिया पर नियंत्रण पा लेने पर मनुष्य को चाहिए कि वैराग्य तथा नियमित योगा अभ्यास द्वारा मन को स्थिर करे। इस तरह मनुष्य को योगा अभ्यास के एक लक्ष्य पर ही सावधानी से अपने मन को स्थिर करना चाहिए। जब मन भगवान पर स्थिर हो जाता है तो उसे वश में किया जा सकता है। स्थायी दशा को प्राप्त करके मन भौतिक कार्यों को करने की दूषित इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस तरह सतोगुण के प्रबल होने पर मनुष्य रजो तथा तमोगुण का पूरी तरह परित्याग कर सकता है और धीरे धीरे सतोगुण से भी परे जा सकता है। जब मन प्रकृति के गुण रूपी ईंधन से मुक्त हो जाता है तो संसार रूपी अग्नि बुझ जाती है। तब उसका सीधा संबंध दिव्य स्तर पर अपने ध्यान के लक्ष्य परमेश्वर से जुड़ जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य की चेतना परम सत्य भगवान पर पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो उसे द्वैत अथवा आंतरिक और बाह्य सच्चाई नहीं दिखती। यहाँ पर एक बाण बनाने वाले का दृष्टांत दिया गया है। जो एक सीधा बाण बनाने में इतना लीन था कि उसने अपने बगल से गुजर रहे राजा तक को नहीं देखा। संत पुरुष को अकेले रहना चाहिए और किसी स्थिर आवास के बिना निरंतर विचरण करते रहना चाहिए। सतर्क होकर उसे एकांतवास करना चाहिए और इस तरह से कार्य करना चाहिए कि वह अन्यों द्वारा पहचाना या देखा न जा सके। उसे संगियों के बिना इधर उधर जाना चाहिए और जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जब नश्वर शरीर में वास करने वाला मनुष्य सुखी घर बनाने का प्रयास करता है तो उसका परिणाम व्यर्थ तथा दुखमय होता है। किंतु सांप अन्यों द्वारा बनाए गए घर में घुस जाता है और सुख पूर्वक रहता है। ब्रह्मांड के स्वामी नारायण सभी जीवों के आराध्य ईश्वर हैं। वे किसी बाह्य सहायता के बिना ही अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और संहार के समय वे ब्रह्मांड को अपने काल रूपी फांस से नष्ट करते हैं और बद्ध जीवों समेत समस्त ब्रह्मांडों को अपने में समेट लेते हैं। इस तरह उनका असीम आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधार तथा आश्रय है। सूक्ष्म प्रधान
जो समस्त विराट जगत का आधार है, भगवान के ही भीतर सिमट जाता है और इस तरह उनसे भिन्न नहीं होता। संहार के फल स्वरूप वे अकेले ही रह जाते हैं। जब भगवान काल के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और सतोगुण जैसी अपनी भौतिक शक्तियों को प्रधान निरपेक्ष साम्य अवस्था तक ले जाते हैं, तो वे उस निरपेक्ष अवस्था प्रधान तथा जीवों के भी परम नियंता बने रहते हैं। वे समस्त जीवों के भी आराध्य हैं, जिनमें मुक्त आत्मा, देवता तथा सामान्य बद्ध जीव सम्मिलित हैं। भगवान शाश्वत रूप से किसी भी उपाधि से मुक्त रहते हैं और वे आध्यात्मिक आनंद की समग्रता से युक्त हैं, जिसका अनुभव भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करने पर होता है। इस तरह भगवान मुक्ति का पूरा पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। हे शत्रुओं के दमन करता, सृष्टि के समय भगवान अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार काल के रूप में करते हैं और वे तीन गुणों से बनी हुई अपनी भौतिक शक्ति अर्थात माया को क्षुब्ध करके महत्तत्व को उत्पन्न करते हैं। महान मुनियों के अनुसार जो प्रकृति के तीन गुणों का आधार है और जो विविध रंगी ब्रह्मांड प्रकट करता है, वह सूत्र या महत्तत्व कहलाता है। निसंदेह यह ब्रह्मांड उसी महत तत्व के भीतर टिका हुआ रहता है और इसकी शक्ति के कारण जीव को भौतिक जगत में आना पड़ता है। जिस तरह मकड़ी अपने ही भीतर से मुख में से धागा निकाल कर फैलाती है, कुछ काल तक उससे खेलती है और अंत में निगल जाती है, उसी तरह भगवान अपनी निजी शक्ति को अपने भीतर से ही विस्तार देते हैं। इस तरह भगवान विराट जगत रूपी जाल को प्रदर्शित करते हैं, अपने प्रयोजन के अनुसार उसे काम में लाते हैं और अंत में उसे पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेते हैं। यदि देहधारी जीव प्रेम, द्वेष या भयवश अपने मन को बुद्धि तथा पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी विशेष शारीरिक स्वरूप में स्थिर कर दे, तो वह उस स्वरूप को अवश्य प्राप्त करेगा जिसका वह ध्यान करता है। हे राजन, एक बार एक भरर ने एक कमजोर कीड़े को अपने छत्ते में जबरन घुसेड़ दिया और उसे वहीं बंदी बनाए रखा। उस कीड़े ने भय के कारण अपने बंदी बनाने वाले का निरंतर ध्यान किया और उसने अपना शरीर त्यागे बिना ही धीरे धीरे भरर जैसी स्थिति प्राप्त कर ली। इस तरह मनुष्य अपने निरंतर ध्यान के अनुसार स्वरूप प्राप्त करता है। हे राजन, मैंने इन आध्यात्मिक गुरुओं से महान ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है उसे बतलाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। भौतिक शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे वैराग्य की शिक्षा देता है। सृष्टि तथा संहार से प्रभावित होने के कारण इसका कष्टमय अंत होता रहता है,
यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए मैं सदैव स्मरण रखता हूँ कि यह अंततः अन्यों द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा। अतः मैं विरक्त रह कर इस जगत में इधर उधर विचरण करता हूँ। शरीर से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों, संपत्ति, पालतू पशुओं, नौकरों, घरों, संबंधियों, मित्रों इत्यादि की स्थिति को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक संघर्ष के साथ धन एकत्र करता है। वह अपने ही शरीर की तुष्टि के लिए यह सब करता है। जिस प्रकार एक वृक्ष नष्ट होने के पूर्व भावी वृक्ष का बीज उत्पन्न करता है, उसी तरह मरने वाला शरीर अपने संचित कर्म के रूप में अपने अगले शरीर का बीज प्रकट करता है। इस तरह भौतिक जगत के नैरंतर्य से आश्वस्त होकर भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं, वह उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है। वह उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियां उसे निरंतर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती है। इसी तरह भौतिक इंद्रियां बद्ध जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और सताती रहती हैं। एक और जीव स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने के लिए खींचती है तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। उसी समय यौन अंग उनकी तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं और स्पर्शेंद्रिय कोमल वासनामय पदार्थ की मांग रखती है। उदर उसे तब तक तंग करता रहता है जब तक वह भर नहीं जाता। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहते हैं। ग्राणेंद्रिय सुहावनी सुगंधियों के लिए लालायित रहती हैं और चंचल आंखें मनोहर दृश्य के लिए शोर मचाती हैं। इस तरह सारी इंद्रियां तथा शरीर के अंग तुष्टि की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। भगवान ने अपनी ही शक्ति माया शक्ति का विस्तार करके बद्ध जीवों को बसाने के लिए असंख्य जीव योनियां उत्पन्न की, किंतु वृक्षों, सरीसृपों, पशुओं, पक्षियों, सर्पों इत्यादि के स्वरूपों को उत्पन्न करके भगवान अपने हृदय में तुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने मनुष्य को उत्पन्न किया, जो बद्ध आत्मा को पर्याप्त बुद्धि प्रदान करने वाला होता है, जिससे वह परम सत्य को देख सके। इस तरह भगवान संतुष्ट हो गए। अनेका अनेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है, जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए, जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्य है, किंतु कृष्ण भावना अमृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है।
अपने गुरुओं से शिक्षा पाकर मैं भगवान की अनुभूति में स्थित रहता हूँ और पूर्ण वैराग्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित मैं आसक्ति या मिथ्या अहंकार से रहित होकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करता हूँ। यद्यपि परम सत्य अद्वितीय है, किंतु ऋषियों ने अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया है, इसलिए हो सकता है कि मनुष्य एक गुरु से अत्यंत स्थिर या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर पाए। भगवान ने कहा, राजा यदु से इस प्रकार कहने के बाद विद्वान ब्राह्मण ने राजा के नमस्कार तथा पूजा को स्वीकार किया और भीतर से प्रसन्न हुआ। तब वह विदा लेकर उसी तरह चला गया जैसे आया था। हे उद्धव, उस अवधूत के शब्दों को सुनकर साधु राजा यदु, जो कि हमारे पूर्वजों का पुरखा है, समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया और उसका मन आध्यात्मिक पद पर समान भाव से स्थिर समदर्शी हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत पूर्ण वैराग्य नामक 9वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए।